सुबह के किचन में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज देखिए हम हरी मटर की कचौड़ी बनाएंगे। तो ये देखिए, हम ये आधा किलो हम हरी मटर लिए थे, तो हम उसको छील लिए हैं और इसको हम मिक्सी में क्रश कर लिए हैं। इसको हमको पीसना नहीं है, क्रश करना है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए हम क्रश किए हैं, मोटा मोटा है। और अब इसको हम साइड में रख दे रहे हैं। तो पहले हम आटा का डो तैयार कर ले रहे हैं, क्योंकि आटा फूलने में समय लगेगा, तो पहले हम आटा का डो तैयार करते हैं। अब ये हम 1 किलो के आसपास मैदा लिए हैं, तो हम इसमें नमक ऐड करिए। देखिए, हम 1 टेस्पून नमक डालेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा हम मंगरेला ऐड करेंगे। ये देखिए, हम मंगरेला लिए हैं, तो थोड़ा सा हम मंगरेला ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन का भी फ्लेवर बहुत अच्छा अच्छा आता है। उसके बाद फिर हाजमा के लिए भी ये अच्छा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अजवाइन भी डाल दिए हैं। और अब ये देखिए फ्रेंड्स, हम आधा कटोरी हम ये ऑलिव ऑयल लिए हैं, तो हम इसको भी इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमको खास्ता कचौड़ी बनाना है। तो इसको हमको, अब हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से हम मिलाएंगे। ये देखिए, हमको ऐसे करके इसको मिलाना है। ये हम अच्छे से इसको हम मल लिए हैं, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम धीरे धीरे पानी डालेंगे। हम एक बार में नहीं डालेंगे, हम धीरे धीरे इसमें पानी डाल के फिर हम इसका अच्छे से एक डो तैयार करेंगे। और हमको डो बिल्कुल नॉर्मल में करना है, हमको ज़्यादा टाइट नहीं करना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं, तो उसी तरह हम इसका डो बनाएंगे, आटा लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इससे क्या होगा ना, जो मेरा कचौरी बहुत ही खास्ता बनेगा और क्रिस्पी बनेगा। तो ये देखिए, हम इसको आटा डाल के हम दोनों हाथ से ऐसे करके हम इसको धीरे धीरे हम आटा को हम मल देंगे। तो इससे क्या होगा, मेरा कचौरी बहुत ही खस्ता बनेगा। अब हम धीरे धीरे पानी भी इसमें ऐड करेंगे और हम आटा तैयार करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा डो बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए, इतना परफेक्ट डो बना है। तो ये देखिए, हमको इसको ज़्यादा नहीं, इसको हमको सानना है बस थोड़ा सा ही, क्योंकि हम इसको मल मल ही दिए हैं अच्छे से, इतना जिसको सानने की ज़रूरत नहीं। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे, ताकि मेरा आटा परफेक्ट बनके वो तैयार हो जाए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम चारों बगल इसको मिला लेंगे। और हम इसको क्या करेंगे, कोई साफ कपड़ा से ढक के, और हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये कपड़ा लिए हैं, ये साफ कपड़ा है। हम इसको चारों बगल से ऐसे कवर कर देंगे। और अब इसे हम 10 से 12 मिनट तक हम इसको ऐसे ढक के और छोड़ देंगे। ये देखिए, तब तक चलिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 टेस्पून हम तेल डालेंगे। तो हम यहाँ पे सरसों का तेल ऐड कर रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 टेस्पून हम जीरा डालेंगे। और साथ में हम 1 टेस्पून इसमें हम सौंफ ऐड करेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा हम चटकने देंगे। अब साथ में देखिए फ्रेंड्स, ये मेथी भी, हम थोड़ा सा मेथी और ये सरसों है, तो भी हम इसमें साथ में ऐड कर देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम इसमें डाले हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अभी हुआ नहीं है, इसको हमको ब्राउन होने देंगे। ये ब्राउन होगा,
अभी ये ब्राउन हुआ नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कटा हुआ, हम बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर रहे हैं और ये बारीक कटा हुआ लहसुन छोटे छोटे पीसेस में हम काट लिए हैं। और ये देखिए बारीक कटा हुआ ये हरी मिर्च हम ऐड किए हैं, हम दो हरी मिर्च इसमें लिए हैं। अब देखिए इसको हम अच्छे से पहले हम पका लेंगे। अरे हम साथ में अब हम इसमें हींग ऐड करेंगे क्योंकि हींग डालना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हम हींग डाल रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा काला नमक भी डालेंगे। तो ये देखिए अब हम इसे अच्छे से पहले चला लेंगे और अब हम इसमें नॉर्मल नमक डालेंगे जो हम डेली यूज़ में लेते हैं। ये देखिए तो हम नमक भी डालेंगे और अब इसमें हम ये देखिए पीसा हुआ अदरक, हम एक चम्मच अदरक डालेंगे और ये पीसा हुआ लहसुन एक चम्मच, हम ये लहसुन भी डाल देंगे। और अब ये हम थोड़ा सा ये देखिए गरम मसाला लिए हैं तो ये गरम मसाला भी हम डालेंगे और साथ में ये प्याज है पीसा हुआ तो हम ये प्याज भी ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छे से पहले पका लेंगे। ये हम हल्दी पाउडर लिए हैं तो ये हम हल्दी पाउडर ऐड किए हैं और अब हम एक टीस्पून इसमें लाल मिर्चा ऐड किए हैं और एक टीस्पून हम ये धनिया पाउडर डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से पहले मिक्स करके और हम पका लेंगे और साथ में हम इसमें थोड़ा सा इसमें बेसन ऐड करेंगे क्योंकि हम बिल्कुल ढाबा स्टाइल में हम बना रहे हैं कचौड़ी, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं थोड़ा सा हम बेसन भी ऐड करेंगे। इसको हम साथ में इसको भी हम पका लेंगे। अब देखिए ये मसाला मेरा अच्छे से भुन चुका है तो आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम तेल इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि साथ में हमको मटर को भी भूनना है। तो ये देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा तेल और ऐड किए हैं और अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो ये हरी मटर है तो हम साथ में हरी मटर भी भूजेंगे। ये देखिए साथ में हम हरी मटर भूजेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसमें हम ये थोड़ा सा हम ये गरम मसाला, सूखा गरम मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए अब हम ये धनिया पत्ती भी हम डाल देंगे और अब ये देखिए मेरा अच्छे से बन चुका है कचौड़ी का मसाला। तो आप देख सकते हैं ये देखिए हरी मटर कितना बढ़िया लगता है, ये कलर इसका देखिए कितना परफेक्ट है और कितना बढ़िया ये देखिए कलर निखर के आया है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब ये हो चुका है तो हम गैस बंद कर लेंगे और तब तक फ्रेंड्स अब हम इसे ठंडा करने के लिए नीचे उतार ले रहे हैं और हम इसी में एकदम ढाबा स्टाइल में हम आलू की सब्जी बनाएंगे तो भी हम आपको रेसिपी दिखाएंगे क्योंकि कचौड़ी के साथ आलू का सब्जी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज हम बनाएंगे जिस कढ़ाई में हम, अब देखिए फ्रेंड्स हम कढ़ाई चढ़ा लिए हैं और गैस जला लिए हैं तो हम उसी कढ़ाई में जिसमें हम हरी मटर भूजे थे तो उसी में हम बना रहे हैं। तो ये देखिए हम आलू लिए हैं तो ये 6 आलू है मेरे पास। तो ये देखिए हम इसमें लहसुन और प्याज का एकदम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये देखिए हम एक थे ये तेज़पत्ता डाले हैं और अब हम इसमें 2 टेस्पून हम सरसों का तेल ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स और अब हम इसमें 1 टीस्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। ये देखिए और अब हम 1 टीस्पून इसमें हम सौंफ ऐड करेंगे। तो ये देखिए
अब हम इसे थोड़ा सा हम चटकने देंगे तो ये पक जा रहा है। उसके बाद फिर हम मसाला डालेंगे। इसमें हम हींग ऐड कर रहे हैं, तो ये देखिए हम थोड़ा सा हींग डाले हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हम काला नमक डालेंगे, इससे सब्जी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ये देखिए फ्रेंड्स हम थोड़ा सा ये हम देखिए आमचूर पाउडर डाल रहे हैं, तो ये आमचूर पाउडर डालेंगे। और अब हम एक चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर सॉरी फ्रेंड्स धनिया पाउडर डाल रहे हैं। इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम ये देखिए अदरक डाल देंगे। और इसमें हम अब ये पीसा हुआ हम देखिए एक चम्मच हम प्याज डाल रहे हैं। तो ये देखिए प्याज आप देखिए फ्रेंड्स इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और अब इसमें हम नमक डालेंगे, तो नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे, आपको जितना सब्जी है उसी हिसाब से डालिएगा। और अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, तो एक टेस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे और उसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किए हैं, अब देखिए फ्रेंड्स हम इसे पहले अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मसाला कितना अच्छा कलर लग रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम साथ में ये दही भी हम ऐड करेंगे। ये दही को हम पहले से ही इसको हम अच्छे से घोल लिए हैं, तो हम धीरे धीरे दही भी ऐड करेंगे। ये देखिए साथ में हम दही भी पकाएंगे। और अब ये देखिए फ्रेंड्स हम ये आलू जो है, तो आलू को हम इसे प्रेस कर लेंगे। एकदम हम ढाबा स्टाइल में हम सब्जी बनाएंगे, आप ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी सब्जी बनता है। हम इसमें लहसुन और प्याज का प्याज हम इसमें यूज़ नहीं किए हैं, हम अदरक यूज़ किए हैं और गरम मसाला। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम इसको अच्छे से इससे हम मत देंगे, छोटे छोटे एकदम हम कर देंगे। तो ये देखिए हो चुका है। तो अब हम मसाला पहले मेरा भून जाए, तो मसाला लगभग भून ही गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ये आलू ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स ये मेरा मसाला देखिए अब कितना बढ़िया हो गया है कलर इसका और भून गया है। तो अब इसमें ये देखिए हम कस्तूरी मेथी डालेंगे। तो ये देखिए इससे इसका सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा मसाला अच्छे से भून चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये आलू जो हम क्रश किए हैं, तो ये आलू हम डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल ढाबा स्टाइल सब्जी बनता है, ऐसे बनाएंगे तो एकदम बिल्कुल लगेगा जब हम ढाबा में खाना है, ढाबा में ही हम खाना खा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम आलू को एकदम क्रश कर लेंगे। ये देखिए आलू को बिल्कुल ऐसे हम क्रश कर लेंगे आलू को अच्छे से। मेरा मसाला भून चुका है अच्छे से। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स अगर हम ये आलू निकाल लें
और हम अगर इसका हम चाट भी बनाना चाहते हैं तो हम इसका चाट भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अभी तो हम सब्ज़ी बना रहे हैं फ्रेंड्स, अगर हम इसको निकाल के इसमें नमक, इसमें वो नमकीन, प्याज वगैरह वगैरह सब डाल के बनाए तो इसका चाट भी बहुत ही टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। तो अभी तो हम सब्ज़ी बना रहे हैं एकदम ढाबा स्टाइल में, तो ये देखिए फ्रेंड्स ज़रूर आप ट्राई करिएगा। इसमें हम देखिए 1.5 गिलास पानी डालेंगे और आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि इसका रस पतला ही अच्छा लगता है, ये ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अगर जाती हैं ढाबा उबा में खाना खाने तो आप देखती होंगी जो कचौड़ी के साथ ये आलू का ये पतला रस वाली सब्जी ही मिलती है। तो ये देखिए हम इसमें थोड़ा सा और हम पानी इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी यमी सब्ज़ी बना है, और देखने में आप देखिए इसका बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है सब्ज़ी। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम इसमें 1/2 गिलास पानी और ऐड करेंगे, और अब हम इसे ढक देंगे अच्छे से, बस 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे। 2 मिनट में मेरी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए हम इसे ढक दे रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स ये मेरा सब्ज़ी, देखिए अब देखिए मेरा सब्ज़ी बनके तैयार हो चुका है। तो आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, अब ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया सब्ज़ी बनके तैयार हो चुका है एकदम ढाबा स्टाइल। तो आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गैस बंद कर लेंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे, ये हरी धनिया है, तो ऊपर से हम गार्निश कर देंगे। अब चलिए फ्रेंड्स अब हम कचौड़ी की तैयारी करते हैं। तो सब्ज़ी तो मेरा बन चुका है, अब हम कचौड़ी बनाएंगे तभी तो खाएंगे आप। अब देखिए फ्रेंड्स हमें आटा 10 मिनट हो चुका है। तो ये देखिए ये मेरा आटा अच्छे से देखिए सेट हो चुका है। तो आप देख सकती हैं ये देखिए कहीं कहीं वाइट वाइट जैसे आ रहा है, तो इसका मतलब है मेरा आटा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका हम लोई बना लेंगे। हम इसका लोई काट लिए हैं। तो अब ये देखिए हम इसको ऐसे ऐसे कर लेंगे, और जो हम ये बनाए हैं ये देखिए इसका मसाला, तो हम इसमें डाल लेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है हमको, थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे। तो ये देखिए हम इसको चारों तरफ से ऐसे कर लेंगे, और अब हम इसको ऐसे करके चारों बगल घुमा के हम ऐसे कर लेंगे, और जो इसका ऊपर वाला जो ये भाग है तो हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसे अच्छे से ऐसे कर लेंगे। तो ये देखिए हम इसको हाथ के सहारे, आप चाहे तो बेलन से भी कर सकती हैं, लेकिन हम यहाँ हाथ का ही सहारा ले रहे हैं। तो आप ऐसे कर लेंगे, तो इसे करके हम साड़े बना लेंगे कचौड़ी। देखिए फ्रेंड्स हम ये 5 ठे पूरी बना लिए हैं। अब देखिए 5 कचौड़ी हम मेरा बन के तैयार हो चुका है, और ये देखिए तेल हम कढ़ाई में डाल दिए हैं। तो तेल हमको ज़्यादा नहीं वो गरम करना है, हल्का गरम में ही हम डालेंगे कचौड़ी। तो ये देखिए हम गौ माता के लिए डाल रहे हैं पहले, और अब हम धीरे धीरे इसमें हम कचौड़ी डालेंगे, और अभी हम नहीं चलाएंगे इसको। तो ये देखिए हम ऊपर से भी ऐसे करके डाल देंगे। ये देखिए आप
देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया मेरा फूला फूला कचौड़ी देखिए बन के तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया मेरा कचौड़ी फूल गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे निकाल ले रहे हैं प्लेट में, क्योंकि ये मेरा बन चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा कितना बढ़िया फूला फूला कचौड़ी बना है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए एकदम धावा स्टाइल में हम बनाए हैं। तो आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, ये देखिए कितना बढ़िया बना है कचौड़ी। और तो फ्रेंड्स हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, ये देखिए कितना ये मुलायम है। तो आप देख सकती हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स कितना खास्ता और कितना बहुत गर्म है, ये देखिए कितना खास्ता है। तो आप देख सकती हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इतना मुलायम है। हम दूसरी कचौड़ी भी आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए दूसरी भी हम तोड़ के, ये देखिए कितना मुलायम है ये, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप देख सकती हैं, ये देखिए इतना खास्ता इतना मुलायम बना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये आलू की सब्जी के साथ ये एकदम ढाबे स्टाइल में हम ये देखिए आलू की सब्जी बनाए हैं। तो आप देख सकती हैं, ये देखिए, तो इसके साथ फ्रेंड्स खाएंगी तो बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको और बहुत ही यम्मी लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग भूल जाती हैं, तो इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट जरूर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप हमको कमेंट करके बताएंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा जो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।